ये देखिए भाई साहब, मेरे भी चैनल पे स्ट्राइक आ गया। अभी मेरे चैनल पे सही से सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। अभी मेरा चैनल 2-3 महीना का ओपन किया था, मेरा नया ही चैनल था, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया। बताइए, यहाँ पर टर्म एंड पॉलिसी वाला आ गया आपने, तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध वीडियो अपलोड कर दिया था, इसके वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया। तो आप किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध अपने चैनल पे वीडियो ना अपलोड करिए, जिसके वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाए। अगर आप हर बार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके चैनल पे 1 स्ट्राइक आएगा, 2 स्ट्राइक आएगा, 3 स्ट्राइक आएगा, इसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आप ऐसे अपने चैनल पे मत करिएगा जिसके वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक आए और आपका चैनल डिलीट हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका चैनल डिलीट हो जाए। आप अपने चैनल पर बढ़िया से काम करें, अपने चैनल से लाखों करोड़ों कमाएँ। तो दोस्तों, मेरा भी चैनल अभी नया ओपन किया था, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको पहले मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप देख लीजिए। मैं थोड़ा व्हाट्सएप के बारे में बता दिया कि अपने मोबाइल में किस तरह किया जाता है। तो टाइटल भी मैं रख दिया था इसी से रिलेटिव, तो यहाँ पे मेरे टाइटल पे स्ट्राइक आ गया है। तो आप किसी भी टाइटल के यूज ना करिए जिसके कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध हो, या फिर किसी के मोबाइल के बारे में आप बता रहे हैं कि अपने में कैसे करें। तो ऐसे वीडियो या फिर किसी का पर्सनल चीज़ को आप अपने में कन्वर्ट करने के लिए ना बताएं जो कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध हो, नहीं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा। मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक बार आ जाएगा तो 90 दिन के बाद हट जाएगा फिर से। फिर दोबारा अगर ये नहीं हटा, फिर दोबारा आ गया, फिर तीसरा बार आ गया, चौथा बार मेरा चैनल चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे 2-3 बार मेरे चैनल पर आए, मेरा चैनल डिलीट हो जाए। यहाँ पे कह भी रहा है YouTube कि अगर आपको ये लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें अपील कर सकते हैं। मैं अपील नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टाइटल में दे रहा है, मैं बोल भी दिया था, टाइटल में लिख भी दिया था कि ऐसे वर्ड लिख दिया था, तो इसके वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया। तो 2 मिनट की वीडियो थी मेरी, तो उससे कोई मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मेरा मेहनत जाया जाएगी और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा 90 दिन के बाद, जब मेरे वीडियो से स्ट्राइक रिमूव हो जाएगी, मेरे चैनल से स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। तो आप भी अपने चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट ना करिएगा जिस पे वीडियो पे आपके स्ट्राइक आया होगा। अगर आप जो भी वीडियो पे स्ट्राइक आया हो आया होगा जो भी आपके वीडियो पे स्ट्राइक आया होगा, अगर आप उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपका स्ट्राइक जो है बना ही रह जाएगा आपके चैनल पे हमेशा के लिए। और बाद में आपका जब चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो आप अपने वीडियो को डिलीट नहीं करिएगा, उसको अनलिस्ट कर दीजिएगा या फिर प्राइवेट कर दीजिएगा। तो आप अगर जब भी आपको अपील करनी होगी तो आप इस वीडियो को दिखाकर अपील कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं कि आप हमारी इस वीडियो पर स्ट्राइक भेजे थे, तो आप ऐसा कोई रहा नहीं आप हमारे चैनल पे, तो आप हमारे मोनेटाइज वाले ऑप्शन है जो ओपन कर दीजिए, चालू कर दीजिए, ताकि मैं भी कमा सकूँ। भाई सभी लोग कमाना चाहते हैं, आप भी कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, तो सभी लोग कमाना चाहते तो आपका भी ऑप्शन चालू हो जाएगा। अगर आप अगर वीडियो डिलीट कर देंगे तो किस चीज़ पे अपील करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।